सही में चाहिए। आप देख पा रहे हो कितना पसीना आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये सब पसीना, ये पसीना नहीं मेहनत है गाइस। मैं अपनी बाइक दिखाऊं कहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, देख रहे हैं मेरी बाइक। इसके आगे जाएंगे ना तो सिटी मॉल पड़ेगा, और इधर जाएंगे ना लेफ्ट तो गोलघर चौराहा पड़ेगा। आपको पता है मेरे कॉलोनी में यूट्यूब चैनल तो बहुत लोग बनाए हैं लेकिन डेली अपडेट नहीं देते। ये लिट्टी है घी वाली, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, थम्सअप, ये लस्सी अमूल का। मैं आपको पॉइंट वाली चीज़ बता दूँ, मैं कभी सेकेंड चीज़ कभी खरीदा नहीं। फ़ोन भी नया खरीदा, साइकिल भी नया खरीदा, जुपिटर स्कूटी भी नया खरीदा, हीरो स्प्लेंडर भी नया खरीदा, और जितने फ़ोन है सब, और मैं तो मतलब सब कुछ नया खरीदा, कभी सेकेंड। सूट तो नहीं पड़ेगा, बटन पक्का फट जाएगा। अमेरिका नहीं है गाइस, इंडिया है। इंडिया में सूट पहनना बहुत बड़ी बात है। आप लोग एक साड़ी सुने होंगे कि जो पसीना से नहाता है वो इतिहास रखता है, वही गाइस। ये पैंट है वाइट में और ये कुर्ता है, ठीक है। गाइस ब्लैकबेरी में आया और सूट देखते हैं, अगर सूट डन जाता तो जाते हैं, और भी फिटिंग चल रहा है तो आप। अच्छा एक लेलन में पैंट आता ना भैया, अच्छा वो डिजाइनिंग होती है। और बैग यहाँ पर है और हेलमेट यहाँ पे है। गाइस ये वाला ना डन हो गया है, जब कैची हाथ लग जाए ना कपड़े में तो समझ ले डन हो गया है। जान भी सही है, ये आज का सबसे बेहतरीन ट्रेन है ये वाली। अच्छा ये डिजाइन में आएगा, डिजाइन में आएगा ना। और बैग यहाँ पर है और हेलमेट यहाँ पे है। गाइस ये वाला ना डन हो गया है, जब कैंची हाथ लग जाए ना कपड़े में तो समझ ले डन हो गया है। कितना मीटर लगेगा भैया? गाइस 2 मीटर लग रहा है। पैंट वाइट ही रहेगा, नहीं पैंट भी सही है। हाँ पैंट बाद में काम अभी आ जाएगा ना। सही देख रहे हैं हम। अच्छा एक लेलन में पैंट आता ना भैया, लेलन डिजाइन होती है। अच्छा वो डिजाइनिंग होती है। गाइस ये पैंट है वाइट में और ये कुर्ता है, ठीक है, डिजाइन में ये कुर्ता है और ये पैंट है, और ये हल्दी के दिन पहनेंगे। कमेंट करिए कैसा लग रहा है, पैक कर दीजिए इसको भैया, पैक कर दीजिए। गाइस 1454 रुपया का पड़ा है। साइज फिटिंग करा रहे हैं ना, फिटिंग सही है। सही है ना, 40 था शायद, ब्लेजर था लेकिन वो।
हाँ सर तो थे, काउंटर पे बिल तो यही किए थे, काउंटर पे ही से थे। गाइस अभी ब्लैकबेरी में आए हैं और सूट देख रहे हैं, अगर सूट डन हो जाता तो भी जाते हैं, और भी फिटिंग चल रहा है तो आपको तो पता है। ब्लैकबेरी ही ब्लैकबेरी का पैंट बहुत अच्छा, फॉर्मल ड्रेस आपको भी पहनना चाहिए, हम तो फॉर्मल पहनते हैं और ज़्यादा करके सिलवा कर पहनते हैं, और ब्लैकबेरी का फॉर्मल ड्रेस बहुत अच्छा है, और सूट भी सूट तो एक नंबर का है। क्या हुआ? और सर अभी बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। गाइस ब्लैकबेरी का जो सूट है और जो फॉर्मल ड्रेस है ना, एक नंबर का है, मतलब जितना तारीफ करो उतना कम है। और ब्लैकबेरी का फॉर्मल ड्रेस हम ज़्यादा पहनते हैं, सूट तो बहुत कम पहनते हैं, क्योंकि सूट हर जगह पहन के नहीं जा सकते ना, क्योंकि अमेरिका नहीं है गाइस, इंडिया है, इंडिया में सूट पहनना बहुत बड़ी बात है। और अभी जो कुर्ती सिलवाए हैं वाली कुर्ती पहने हुए हैं, कैसा लग रहा है ये? कैसा लग रहा है? किसी का ब्लू कलर है वो, किसी का ब्लू कलर है। हाँ सही है, सही है, सारा एक ही तरह पहनेंगे तो रहेगा नहीं, अलग अलग यूनिक चीज पहने तो सही रहता है। वो ब्लेजर था, ये भी सूट है ना, ये कुछ लगा है क्या यहाँ पे? नहीं अलग से लगा हुआ था, सही है। हाँ लेकिन पूरा पहनेंगे तब समझ में आएगा। नहीं मैम पूरा पहनेंगे तो समझ में आएगा। हाँ पूरे नहीं पहनेंगे, अब ढीला पहनेंगे तो अच्छा भी नहीं है ना, टाइट तो रहना चाहिए थोड़ा बहुत ना। 42 निकाल दीजिएगा और डिस्प्ले देख सकते हैं गाइस। ये ब्लैकबेरी का शॉप है सिटी मॉल के बगल में, ये स्टोर रूम लग रहा है मुझे। तो यूनिफॉर्म जैसा लग रहा है मुझे, ये देखिए डिस्प्ले है लुक देने के लिए। फिट है, ढीला है क्या ज़्यादा? 40 है, 42 है, 42 है ना। फोर्टी तो है ही, सूट तो नहीं पड़ेगा, बटन पक्का फट जाएगा। प्रिंस कॉलर है, सही है, मैचिंग भी सही है। गाइस मैं अपनी बाइक दिखाऊं कहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे खड़ी है, देख रहे हैं मेरी बाइक। इसके आगे जाएंगे ना तो सिटी मॉल पड़ेगा, और इधर जाएंगे ना लेफ्ट तो गोलघर चौराहा पड़ेगा। 7995 कॉटन में ना, सही है। और गाइस ये कॉटन में ना मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सही है। और इस पे का शर्ट दिखा रहे हैं आपको, ये लिट्टी है घ्यू वाली, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, थम्सअप, ये लस्सी अमूल का। टाइम हो गया आपका 2:28, संडे 14 तारीख,
भूख लगा हुआ था, लिट्टी खाना तो बनता है। हेलमेट यहाँ पर है, बैग यहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं, अब जा रहे खाने। आपको भी खाना तो कमेंट करिए। गाइस हम घर पे आ चुके हैं और ब्लॉग तो लंबा बन चुका है क्योंकि मतलब बाइक में कुछ काम कराए हैं, फिर विशाल भाई को शॉपिंग भी करना था तो कपड़े वगैरह दिलाए हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। संडे था ना, संडे के दिन क्या होता है ना कि जितने गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ना तो ज़्यादा करके शॉपिंग करते हैं क्योंकि उनको मंडे से सैटरडे तक काम करना रहता है। संडे मिलता है तो शाम को चल जाते हैं नौका पे रहने के लिए और दिन में शॉपिंग कर लेते हैं। तो गीता प्लेस में आप देखे होंगे कि कितना ज़्यादा भीड़ था और शाम तक और ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो ब्लॉग में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट्स में बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट जब आप लोग करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब मोटिवेट होते हैं, आप समझ सकते हैं, और अच्छा फीलिंग होता है। ऐसा लगता है कि यूट्यूब से लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम ब्लॉग डालते हैं तो लोग हमसे सवाल ही करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और काम तो हम कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है यूट्यूब पर खर्च कर रहे हैं। आप देखें अभी कुछ दिन पहले मैंने टेलर लगवाए हैं तो हम लोग मीटिंग लगाते हैं, हम लोग के लिए ना 100 रुपये ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक समय था गाइस कि मैं 100 रुपये का एक दिन कमाता था, जी हाँ, और आज भी मम्मी से हर चीज़ में शेयर करता रहता हूँ। मम्मी कहती हैं कि पैसे कहाँ जाता है जो कमाते हो, कहाँ उड़ाते हो। तो भाई आपको तो पता है हम बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आने वाला आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं आने वाले समय पे जितनी सुपर कार आपसे बोला हूँ, जितने सुपर बाइक बोला हूँ, सारा मैं लेकर आऊँगा। तो यही है कि जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे और सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे तो प्ले बटन जल्दी आएगा तो मोटिवेट होंगे। और आपको पता है मेरे कॉलोनी में यूट्यूब चैनल तो बहुत लोग बनाए हैं लेकिन डेली अपडेट नहीं देते हैं। हम अभी कैसे ही जो यूट्यूब फैमिली है वो भी डेली इंतजार करती है कि अब ब्लॉग आएगा। तो मैं दोपहर में 1 बजे पब्लिक कर देता हूँ, रात में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ, उसके बाद से पब्लिक कर देता हूँ दोपहर में 1 बजे, ठीक है, डेली अपडेट दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया ना कि मैं काम भी कर रहा हूँ और डेली अपडेट भी दे रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो संडे था तो आज हैप्पी मदर डे है तो आप लोग को सबको हैप्पी मदर डे और सबको दिल से प्रणाम भी करता हूँ। और लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सारा अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन यही है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट प्यार बनाए रखें क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करना है, बस क्या है ना यूट्यूब पे मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि गाइस ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना और वीडियो अपलोड भी करने में 2 घंटा लग जाता है, एडिटिंग करते हैं 3 घंटा लग जाता है, फिर ब्लॉग बनाना, कंटेंट्स भी देखना क्योंकि ऐसे नहीं वीडियो डाल सकते ना, कंटिन्यू तो होना चाहिए। तो ये कि मैं सपोर्ट तो कर रहा हूँ अपने लाइफ में, ये है मैं ये कह सकता हूँ कि मैं काम भी कर रहा हूँ और यूट्यूब पे ब्लॉग बना के वीडियो भी डाल रहा हूँ और आप लोग से प्यार सपोर्ट भी मिल रहा है। और यही मैं चाहिए, आप देख पा रहे हो कितना पसीना आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये पसीना नहीं मेहनत है। आप लोग एक शायरी सुने होंगे कि जो पसीना से नहाता है वो इतिहास रचता है, वही चीज़ है। और गाइस यूट्यूब चैनल तो बहुत लोग देखी देखा बना रहे हैं, हमने खुद देखा है अपने आंखों से और यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, नए नए चैनल लोग बना तो रहा है। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि यूट्यूब चैनल बनाने से कुछ नहीं होता है, यूट्यूब चैनल पे क्या कंटेंट डाल रहे हो, जैसे हमारा क्या है जो अभी चल रहा है मेरे लाइफ में वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। और जब राइड कर रहा हूँ, राइड का भी चैन पैकेट मैंने क्यों बदलवा, क्योंकि 12,000 पे चेंज कराना था और मैंने पैसे बचाने के चक्कर में मैंने पैसे बचाए भी और तभी भी 14,000 प्लस कर दिया, 12,000 पे चेंज कराना था लेकिन 14,000 प्लस कर दिए थे। तो 500-600 जो भी चलेगा उसके बाद सर्विसिंग करा देंगे और राइड पे निकलेंगे, सोच रहे इसी फ़ोन से एक राइड कर लें और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। देखते हैं कौन सा राइड मारते हैं क्योंकि घर से बाहर भी निकलना जरूरी है। अभी जो भी मैंने बाइक ज़्यादा चलाया ना गोरखपुर में चलाया है, तो जुपिटर को तो 53,000 इसलिए चल गया था क्योंकि उससे ही हम दूर निकल जाते थे। और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो भी किए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे फोटो जो है ना मैं पोस्ट करता रहता हूँ और वहाँ पे अपडेट भी डालता रहता हूँ मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो यही है कि जितने लोग यूट्यूब फैमिली हमारी जुड़ी हुई है, कंटिन्यू ब्लॉग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। और लाइफ में बहुत कुछ करना है, देखिए इंडिया मैप तो हमारे बगल में देख रहे हैं, बैकग्राउंड में टंगा हुआ है, मैं पूरी जीवन गुजर जाएगा लेकिन इंडिया पूरा घूम नहीं पाएंगे, आपको मैं सच बता रहा हूँ। तो अपना एक ड्रीम है कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ और पूरा घूमूँ देखूँ और लोगों को बताऊँ। बहुत लोग तो घूम चुके होंगे लेकिन गाइस हमारे पापा नहीं हैं, भैया भी नहीं हैं, मम्मी हैं, मम्मी अपना घर देखभाल करती हैं, हम पैसे कमाते हैं, घर पे देखते हैं और अपना यूट्यूब पे पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। मुझे बहुत फ्रेंड कहते हैं ना कि बहुत पहले यूट्यूब पे आ जाना चाहिए था लेकिन अब उतना कोई बताया नहीं, लेकिन हम अब यूट्यूब पे आए हैं तो हर चीज़ शेयर करते रहते हैं। सच बात है, मुझे यूट्यूब पे बहुत पहले आ जाना चाहिए था और ब्लॉग बनाना चाहिए था, लेकिन एक होता है ना कि ठीक है अब आया हूँ तो आप सब कुछ दिखाता हूँ, तो ब्लॉग लंबा तो हो जाता है लेकिन जो भी है रियल कंटेंट सबको दिखाता रहता हूँ। और इससे ये प्रॉफिट है ना, लाइफ में किए क्या आप, जी हाँ आप लाइफ में किए क्या, और इसमें क्या प्रॉफिट एक और होता है कि अगर आप मर भी जाते हैं, जी हाँ अगर आप मर भी जाते हैं तो आपका ब्लॉग पड़ा रहेगा यूट्यूब पे और आपकी फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सारे लोग देख सकते हैं कि निखिल राज करता क्या था और लाइफ में क्या 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 खरीदा, किससे मिला, कहाँ घूमा, कितने दूर तक घूमा, कहाँ कहाँ गया था, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्लॉग नहीं, और ये देख रहे हैं पसीना है।
और बाकी बाल है ना हेयरबैंड लगाए हुए हैं और पीछे चोटी बांध दे रहे हैं, पूरा पीछे चोटी बांध दे पूरा। तो अपने को बाल दाढ़ी बहुत अच्छा लगता है। अब लोगों के क्या पसंद है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, क्या है ना गाइस, लोगों को लोग तो हज़ार बातें सौ बातें लाखों बातें कहते रहते हैं, लेकिन खुद को अच्छा लगना चाहिए, खुद को पसंद होना चाहिए। और मुझे बाल दाढ़ी बहुत अच्छा लगता है और चश्मा तो पहन रहा हूँ ना, अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करिए ना, चश्मा देखने से कुछ थोड़ी ना होगा, तो जाइए फटाफट लाइक करिए। तो ये जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता रहता हूँ और बाइक पे जितना पैसा लगता है मैं बताता रहता हूँ, कहीं तो कहीं हमारी फैमिली देखती भी होगी कि मम्मी के अंदर ये शंका जरूर रहता है कि मैं पैसे जो कमाता हूँ ना कहाँ उड़ाता हूँ। लोगों को लगता है ना कि पैसे कहीं और दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि फैमिली भी देखती रहती है, पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल टंकी फुल करा के रखते हैं, अभी दो दिन पहले मैंने 800 रुपया का टंकी फुल करा दिया और चंद पैकेट लगी, अभी 1000 रुपया खर्चा हो गया। तो ऐसे खर्चा होता रहता है, फिर डेली मतलब महीने का 10000 तो खर्चा करते हैं। और एक समय था मैं 100 रुपया एक दिन का कमाता था और आज ये समय है जो महीने का सिर्फ खर्चा हो रहा है हमारा 10000 रुपया। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं तो कहीं हम मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रगल भी कर रहे हैं, दोनों एक ही होता है स्ट्रगल करना, परिश्रम, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, घर पे बैठने से कुछ नहीं होता। अभी मैंने घर पे आया, ठीक है। अब आप घर पे आए हैं तो घर पे झाड़ू पोछा तो सुबह लगा दिए थे, अब कपड़ा प्रेस करना है, वीडियो एडिटिंग करना है और कौन सा कंटेंट जानना है वो सब हिसाब से देखना पड़ता है, फिर थंबनेल भी बनाना पड़ता है। बाहर काम करते हैं फिर ब्लॉग बना रहता है, तो फिर एडिटिंग करो, फिर यूट्यूब पे डालो, लोगों को अपडेट भी देना पड़ता है, फिर इंस्टाग्राम पे फोटो भी पोस्ट करते रील बनाते भी रहते हैं, डालते रहते हैं। मतलब मैं 24 घंटे में सब कुछ अपने मैनेज करके सब कुछ डालता रहता हूँ, लेकिन हाँ तब भी मैंने अभी मुझे और मेहनत करना है। मुझे ऐसा लगता है ना कि 24 घंटे में सिर्फ एक घंटा मेहनत कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा रिलीज हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और बाइक चलाना माय फेवरेट है, मैं सच बता रहा हूँ, बाइक चलाना, बाइक कार जो है ना उतना तो फेवरेट नहीं है, लेकिन तब भी मैं कार चला लेता हूँ। और खुद का कार रहता तो डेली कंटिन्यू चलाता तो हाथ साफ हो जाता। और जीजा का कार है तो दीदी लोग, जीजा भी बोलते हैं कि कार ले जाके चलाया करो, उनके दिल से थैंक यू। मुझे कार की कमी नहीं है और गाड़ियों की कमी नहीं है, मैं एक फ़ोन करूँगा ना तो बहुत कुछ खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या है ना अपने को खरीद करना है। और गाइस मैं आपको पॉइंट वाली चीज़ बता दूँ, मैं कभी सेकेंड चीज़ कभी खरीदा नहीं, फ़ोन भी नया खरीदा, साइकिल भी नया खरीदा, जुपिटर स्कूटी भी नया खरीदा, हीरो स्प्लेंडर भी नया खरीदा और जितने फ़ोन सब, और मैं तो मतलब सब कुछ नया खरीदा, कभी सेकेंड चीज़ कोई नहीं खरीदे, मतलब जो है ना लाइफ में सब नया खरीदा। तो बहुत लोग सेकेंड चीज़ खरीद के ना भौकाल दिखाते हैं, औकात दिखाते हैं, बस उन्हें हम यही कहना चाहते हैं खुल के कि अगर इतने ही मर्द बनने का शौक है ना तो फर्स्ट ओनर बना करिए, इतने ही मर्द बनने का शौक है तो फर्स्ट ओनर बना करिए, क्योंकि गाय से फर्स्ट ओनर जो बनता है ना वो समझ लीजिए बहुत बड़ा टैक्स भर दिया। अब समझ पा रहे होंगे मैं जो भी बोलूँगा कैमरे पे बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। जो मर्द बनने का शौक रखते हैं ना तो फर्स्ट ओनर बनिए, तब हम जानेंगे आप मर्द बन रहे हैं। तो वही है कि जो फर्स्ट ओनर बनते हैं, मतलब फर्स्ट मालिक जो बनते हैं ना, बहुत ज्यादा टैक्स भरते हैं। गाइस ब्लॉग तो जानते हैं कि इसी फ़ोन से हम ब्लॉग बनाते रहते हैं, तो अभी फ़ोन आ गया था फ्रेंड का, अब ब्लॉग इन करने के बाद फ्रेंड से बात करेंगे, टाइम भी देना पड़ता है। तो यही फ्रेंड की भी बात कर दे रहे हैं कि अगर फ्रेंड कॉल करें तो अगर टाइम पे नहीं उठा पाते हैं तो बैक कॉल कर लिया करिए। देखिए फ्रेंड जो होते हैं ना वो गेस्ट के रूप में होते हैं और गेस्ट में भगवान भी आ जाते हैं, आप जानते भी हैं। तो एक बैचलर लाइफ है हमारी, जो भी मन में रहता है दिल में रहता है हम आपसे शेयर कर देते हैं, और मुझे भी लगती है यूट्यूब फैमिली है तो कमेंट करेगी और मैं पढ़ूंगा, उसका जवाब भी दूंगा, तो अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कब सक्सेसफुल मिलेगा, कब एक लाख सब्सक्राइबर होगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, 50 मिलियन सब्सक्राइबर, ये कुछ मुझे नहीं पता है। रातों रात भी सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, समय भी लग सकता है। और बात ये नहीं कि मैं इंडिया में कहाँ कहाँ गया, बात ये है कि मैं रियल लाइफ में क्या क्या किया। जी हाँ, लाइफ में ये नहीं मैंने कहाँ गया, लाइफ में रियल मैंने क्या किया। तो जब बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं है तो टाइम तो लगना ही लगना है, क्योंकि जो पैसे कमाएंगे यूट्यूब के लिए पैसे इन्वेस्ट करें चुके। अब मैंने चंद पैकेट ना मैं बता दूंगा, कम से कम मैं 20,000 चंद पैकेट वही चला सकता था। जी हाँ मैं सच बता रहा हूँ, 20,000 तक मैं वो चंद पैकेट चला सकता था, क्योंकि मुझे चलाना मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन एक होता है ना, अगर बीच में मैं राइड पर निकल गया ना तो दिक्कत आ सकती थी, प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी पंचर किट भी खरीदना है और हवा भरने वाली मशीन भी खरीदना है, मशीन नहीं खरीदनी, पाइप खरीदेंगे, मशीन 2,000 का है, उतना मेरा बचत नहीं है, तो पाइप खरीदेंगे, लगभग 400-500 का मिल जाएगा। तो जो भी रहेगा आपसे शेयर भी करते रहेंगे, आपसे कोई छुपाने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली है और फैमिली यूट्यूब को बताना बहुत जरूरी होता है। तो डेली अपडेट देते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, ब्लॉग बनाते रहेंगे, आप लोग अपडेट देते रहेंगे, जो रहेगा शेयर करते रहेंगे। कुछ लोग तो भगा भगा देखते हैं, कोई बात नहीं, आप देखते हो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन लाइक जरूर करिए। अगर लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं ना गाइस, तो जल्दी प्ले बटन आएगा और मोटिवेट होगा। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि यूट्यूब पे टाइम देना बकचोदी है, तो मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता, आप लोग उनके लिए कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जो लोग कहते हैं यूट्यूब पे टाइम देना मतलब बेकार होता है, टाइम बर्बाद होता है, तो भाई उनके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे टाइम देना बर्बाद होता है, तो आप
लोग ही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं और वैसे पब्लिक प्लेस में है, बहुत लोग आपका कमेंट पढ़ते हैं। अगर हम कमेंट करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, आप कमेंट करेंगे तो सारे लोग पढ़ सकते हैं। तो जो है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग होते हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो आप लोग होते हैं जो कमेंट करेंगे वो सत्य महत्वपूर्ण में करेंगे और हम तो सबका भला करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं लोगों को मदद करता हूँ लेकिन जल्दी दिखाता नहीं, क्योंकि इस पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं ना तो वीडियो बना के पब्लिक को दिखाना नहीं चाहिए। दुआ जो होता दिखाई नहीं देता, वो मिल जाता है सिर्फ बाद में। अगर एक समय था मैं 100 रुपया डेली कमाता था, आज समय हो गया 10,000 रुपया खर्चा महीने का हो गया, तो कहीं तो कहीं मेरा सफलता है, मेरा मेहनत है और मैं हर एक कदम में आगे हूँ और आगे रहना भी चाहता हूँ आप लोग का आशीर्वाद से। और मेहनत कर रहा हूँ मैं, कभी बैठा हूँ आप सबको दिखाता रहता हूँ। आज भी मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ, आप देखते भी हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा पड़ता सब कुछ मैं ही करता रहता हूँ। मतलब सेल्फ डिफेंस पे, मतलब जितना सेल्फ डिफेंस पे करना चाहिए मैं सब कुछ करना रहता हूँ और मैं कभी किसी उम्मीद पर रहता नहीं। हाँ, एक कदम पीछे हूँ लेकिन अपने दम पे हूँ, एक कदम पीछे हूँ और अपने दम पे हूँ। और आज भी कहीं गलतियाँ होती है ना, तो हमारे फ्रेंड आज भी कहते हैं कि कम से कम किसी की उम्मीद पे तो नहीं हूँ। अब देखिएगा, इस लाइफ में थोड़ा बहुत गलतियाँ तो होती रहती है, लाइफ में बहुत सारा गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन उस गलतियों को सुधार करना मेरे अंदर है। अगर हमसे कहीं गलतियाँ होता है ना तो मैं पकड़ लेता हूँ कि हमसे कहीं गलतियाँ हुआ, अगला सामने बोलने से पहले मैं समझ जाता हूँ कि कहीं कहीं हम गलती किए हैं। तो चीज़ को सुधार बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो वही चीज़ दिखाऊंगा जो लोग देखना चाहते हैं, मैं हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारा बच चले ना तो मैं 24 घंटे का ब्लॉग बना के दिखा दूँ कि मैं दिन भर करता क्या हूँ। जी हाँ, अगर हमारा बच चले तो मैं 24 घंटे का दिखा दूँ कि मैं करता क्या हूँ, लेकिन लोगों को चाहिए 5 मिनट का ब्लॉग, 10 मिनट का ब्लॉग, अब तब भी 15-20 मिनट का ब्लॉग हो जाता है। तो मेरा सपना तो यही है, मैं सब कुछ दिखा दूँ यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग कहते हैं 5-10 मिनट का ब्लॉग डालने के लिए, ठीक है मैं 5-10 मिनट का ही ब्लॉग डालूंगा, लेकिन आप लोग का जैसा इच्छा। तो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और खूब सारा प्यार देते रहिए।